भगवान विष्णु का दसवां अवतार जो कलयुग के अंत में धरती पर अवतरित होंगे, वह अधर्म का अंत करके हमें सतयुग में ले जाएंगे। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जिस तरह से त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में कंस अधर्मी था, आखिर कलयुग में वो कौन सा अधर्मी होगा जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? वो कितना शक्तिशाली होगा जिसका अंत करने के लिए कल की अवतार हनुमान जी और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ लड़ना पड़ेगा? इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं द इटर्नल यानी सनातन। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, लेकिन ये आखिरी अवतार सबसे विध्वंसक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी 9 अवतार अधर्म के साथ साथ शिक्षा देने के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन कल की अवतार सिर्फ प्रचंड शक्तियों से विनाश करेंगे। लेकिन कल की अवतार अकेले नहीं होंगे, हिंदू धर्म में बताए गए सभी चिरंजीवी उनका साथ देंगे। विष्णु अवतार परशुराम और कल की अवतार इसी के साथ भगवान शिव का रुद्र अवतार हनुमान जी, ये सब मिलकर सामना करेंगे अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का। आखिर कौन होगा वो सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी? कलि पुरुष होगा, जो कलयुग के अंत तक देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कई पुराणों में कलि पुरुष का वर्णन किया गया है, जिनमें सबसे पुराना है, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, लेकिन उसका कुछ भाग नीचे गिर गया, उसी से कलि पुरुष का जन्म हुआ। वहां से कलि पुरुष तो बच निकला, लेकिन वो समय के साथ साथ शक्तिशाली होता चला गया। कलि पुरुष अदृश्य और शक्तिशाली कलयुग के अंत तक हर जगह मौजूद होगा। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की, तब कलयुग के आरंभ से ही कलि पुरुष शक्ति का विस्तार हो गया। कलि पुरुष इंसान के मन में वास करता है, जिस कारण से वह सबको बुराई की तरफ ले जाएगा। जैसे इंसान इस समय देवताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने अनेक विध्वंसक हथियार बना लिए हैं। 432,000 साल कलयुग में 5,000 साल बीत चुके हैं। इस पूरे समय में कलि पुरुष इंसानों को विनाशक शक्तियां देगा और हम भी बेहद शक्तिशाली हो जाएंगे। इंसान को बुराई से भर दिया जाएगा, जिससे कलि पुरुष भी शक्तिशाली होता चला जाएगा। इस तरह मनुष्य की तरक्की विनाशक हथियारों से मापी जाएगी और वो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। और इस तरह जब कलयुग का अंत आएगा, तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। उस समय तक कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में भी आ जाएगा। इस अवस्था में उसकी शक्ति प्रचंड हो जाएगी, लेकिन इससे ज्यादा भी बड़ी बात होगी, इंसान भी उनका साथ देंगे और कलि पुरुष के साथ प्रचंड युद्ध लड़ेंगे। इस समय पर कोई कोई मनुष्य ही ईश्वर की पहचान कर पाएगा, वही इस विनाश से बच पाएगा। भगवान विष्णु के 2 अवतार कल्कि अवतार और परशुराम जी एक हो जाएंगे और इस तरह अंत करेंगे कलि पुरुष का। इस युद्ध की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह एक महायुद्ध होगा जिसमें कलि पुरुष के साथ ज्यादातर इंसानों का भी अंत हो जाएगा। इस तरह उदय होगा नए महायुग का, जिनमें सभी चिरंजीवी धरती लोक छोड़कर उस महाशक्ति में समा जाएंगे। तब देवता धरती लोक को अपना निवास स्थल बना लेंगे, फिर से ज्ञान का बहाव होगा। इस तरह कल्कि अवतार अंत करेंगे अब तक के सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का। तो मित्रों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।